नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव कोरोना काल के कारण फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही कमी को देखते हुए एक बार फिर से प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग M2 मॉडल EVM मंगाने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर जिलाधिकारियों को यह जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी इस संबंधित जिला के निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर पड़ोसी प्रदेशों से आवश्यक संख्या में EVM मंगाई जाए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना भी EVM है, ऐसे में जरूरत को ध्यान में रखकर आयोग EVM मंगवाएगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग M3 मॉडल EVM से चुनाव कराना चाहता था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। भारत निर्वाचन आयोग ने इस मशीन को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अब अंतिम रूप से M2 मॉडल से चुनाव कराने पर निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यही कहा गया है कि M2 मॉडल EVM की आवश्यकता होगी। इसका आकलन राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर पूरा नहीं किया गया है। फिर भी इतना तय है कि M2 मॉडल EVM से चुनाव कराने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव में 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव संपन्न कराना होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इस मशीन से चुनाव कराने में देरी होगी। ऐसे में आइए जान लेते हैं M2 और M3 मॉडल के बारे में। EVM के इन दोनों मॉडलों में काफी अंतर है। M3 मॉडल EVM के पंचायत चुनाव कराने पर एक कंट्रोल यूनिट और 6 वैलेट यूनिट के साथ एक SDMM चिप की आवश्यकता होगी। ऐसे में सिर्फ 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट के रहने से पंचायत के सभी पदों के चुनाव कराए जा सकते थे। केवल SDMM चिप को बाहर निकालकर EVM को दूसरे चरण के मतदान के लिए भेजा जा सकता था। वहीं अगर हम बात M2 मॉडल की EVM पंचायत चुनाव कराने को लेकर कहें, तो M2 मॉडल की EVM से पंचायत चुनाव कराने के लिए 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। पंचायतों में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 6 बैलेट यूनिट में डाले गए मतों का डाटा 6 कंट्रोल यूनिट में संग्रहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा गया है, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी मांगी गई है। अगर सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है, तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की रणनीति में जुटा हुआ है। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी, जिसमें कि बताया गया है कि M2 मॉडल से बिहार में इस साल पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।